स्टूडेंट्स, यूनिक ऑनलाइन गुरु में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हम अपने बीसीए के लिए जो फिजिक्स है उसमें हम केपलर्स लॉ के बारे में आज स्टार्ट करेंगे। पिछले वीडियो में, पिछला जो क्लास थी उसमें हमने क्या पढ़ा था, हमने सेंट्रल फोर्स के बारे में पढ़ा था कि कोई फोर्स को हम सेंट्रल फोर्स कब कहेंगे। थोड़ा सा उसको ब्रीफली मैं डिस्कस करना चाहूँगा। सेंट्रल फोर्स किसे कहते हैं, जब जो फोर्स लग रहा है, अगर दो बॉडीज हैं, एक मान लीजिए एक है ए और एक है बी, वो एक पॉइंट बॉडीज है, मैं पॉइंट मास उनको मानता हूँ कि एक पॉइंट पे है, आप उसको कोई शेप भी ले सकते हैं, सपोज सर्कुलर या ये स्फेरिकल है, तो इनके बीच में अगर कोई फोर्स लग रहा है, सपोज इनके बीच में कोई फोर्स एफ लग रहा है, ठीक है, तो ये फोर्स सेंट्रल फोर्स कब माना जाएगा, जब जो फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन है, मतलब जिस डायरेक्शन में फोर्स काम कर रहा है वो डायरेक्शन उन दोनों के सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलॉन्ग हो। मतलब कि इसका सेंटर ये है ए वाली बॉडी का और बी वाली का ये है, तो इसका जो फोर्स का डायरेक्शन है, देखिए क्या डायरेक्शन फोर्स का, ये है और ये किस डायरेक्शन में है, उसी डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में इन दोनों का जो सेंटर है उसको जो स्ट्रेट लाइन ज्वाइन कर रही है उसी डायरेक्शन में फोर्स है। तो ऐसे फोर्स को क्या कहते हैं, सेंट्रल फोर्स। इसकी प्रॉपर्टीज भी हमने पढ़ ली थी कि जैसे अगर कोई मोशन है वो सेंट्रल फोर्स के में हो रहा है तो कैसे हो रहा है। पहली बात तो था कि दो टाइप्स थे इसके, कौन कौन से, बाउंडेड और अनबाउंडेड, उसके भी एग्जाम्पल्स देख लिए थे। और फिर प्रॉपर्टीज में क्या था, पहला तो ये कि फोर्स एक कंजर्वेटिव होता है, मतलब वर्क डन जो होता है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। दूसरा क्या था कि जो मोशन होता है वो एक प्लेन में होता है, था नहीं, कि जो मोशन एक होता है, जैसे मान लीजिए ये फोर्स लग रहा है इस बॉडी पे, ये मोशन कर रही है फोर्स की वजह से, तो मोशन एक प्लेन में होगा और प्लेन कॉन्स्टेंट रहेगा, यानी कि वो प्लेन बदल जाए, एक बार रोटेशन हुआ, एक बार मोशन हुआ, उसके बाद फिर प्लेन बदल जाए, दूसरे प्लेन में आ जाए, वो हम एकदम डिटेल में पिछली जो क्लास है उसमें डिस्कस कर चुके हैं। और दूसरा प्रॉपर्टी क्या था कि एंगुलर मोमेंटम जो है वो कांस्टेंट रहता है, मतलब उसकी डायरेक्शन और उसका मैग्नीट्यूड दोनों कांस्टेंट रहता है, बदलता नहीं है। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एम इंटू आर क्रॉस वी, क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, ये भी हमने देखा था कि वेक्टर्स अगर दो वेक्टर क्वांटिटीज हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट यानी स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है और क्रॉस प्रोडक्ट यानी वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है, दोनों के बीच में डिफरेंस हमने जान लिया था। और फिर इसके बाद में हमने थर्ड प्रॉपर्टी जो थी कि जो वेक्टर का जब, मतलब ये जो मोशन का होता है इस फोर्स की वजह से, वो मोशन में जो एरियल वेलोसिटी होती है वो कांस्टेंट होती है, मतलब जो एरिया उसमें कवर करता है वो बॉडी पर यूनिट टाइम वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी, एग्जांपल्स भी हमने देखे थे। आज हम उसी टॉपिक से रिलेटेड एक उसके आगे का एक जो उसका कहते हैं कि सक्सेसर टॉपिक है, उसका कौन सा टॉपिक है, केपलर्स लॉस। केपलर, जोहानस केपलर एक साइंटिस्ट थे जो कि जिन्होंने प्लानिटरी मोशन के बारे में कुछ लॉज दिए थे। प्लानिटरी मोशन मतलब जो प्लैनेट्स हैं, जो हमारे जैसे आठ प्लैनेट्स हैं, कौन से हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स और फिर जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। ये प्लैनेट्स जो हैं, ये जो सन के अराउंड मोशन करते हैं हमारे, वो उनके मोशन को समझाने के लिए, डिफाइन करने के लिए कुछ उन्होंने लॉज दिए थे, तीन लॉज उन्होंने दिए थे, उन्हीं लॉज के बारे में आज हम पढ़ेंगे, कौन कौन से नियम थे और क्या कहते हैं। तो पहला नियम जो है, जो फर्स्ट लॉ है, पहला नियम है, वो पहला नियम क्या कहता है कि जो प्लैनेट्स के जो मोशन होते हैं वो एलिप्टिकल ऑर्बिट्स में होते हैं। मतलब क्या है, प्लैनेट्स मूव इन एलिप्टिकल ऑर्बिट्स, एलिप्टिकल ऑर्बिट्स। इसका भाई क्या मतलब हुआ, मतलब ये हुआ कि प्लैनेट्स का जो मोशन होता है उससे पहले क्या देखा जाता था, उससे पहले ऐसे जानते थे हम लोग कि जो प्लैनेट्स हैं वो मोशन कैसे करते हैं, कि ये सन हो गया, ये सन हो गया, लाइट एमिट कर रहा है, और जैसे प्लैनेट है मान लीजिए हम अर्थ को लेते हैं, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट रहता था कि ये अर्थ है यहाँ पे, सपोज यहाँ अर्थ है, ये स्केल पर नहीं है, सन और अर्थ आपको लगभग सेम साइज के दिख रहे होंगे, लेकिन मैं यहाँ पे हम खाली एक शो करने के दिखा रहे हैं, शो कर रहे हैं कि मतलब ये जो सन है उसके अराउंड जो अर्थ मोशन कर रही है। तो पहले हम क्या समझते थे कि जो मोशन होता है वो एक सर्कुलर ऑर्बिट में होता है ना, ये सर्कुलर ऑर्बिट की मतलब सन जो है वो सेंटर पे रहेगा और इस पे अर्थ पे फोर्स लगाएगा अपना और अर्थ उसी के अराउंड मोशन करेगी फोर्स की वजह से, और वो सर्कुलर मोशन हो रहा था, हम ये समझ रहे थे कि मोशन सर्कुलर होता है। केपलर ने क्या कहा कि नहीं, ये फोर्स, ये जो मोशन हो रहा है वो सर्कुलर नहीं हो रहा है, वो सर्कुलर ऑर्बिट में नहीं हो रहा है, वो मोशन एलिप्टिकल ऑर्बिट में हो रहा है। एलिप्स का क्या मतलब है, एलिप्टिकल मतलब क्या है,
कि जो उसका जैसे यहाँ पे कहते हैं इसको क्या बोलेंगे, इसे क्या बोलेंगे हम, इसे हम बोलेंगे सर्कुलर ऑर्बिट, क्या सर्कुलर ऑर्बिट, मतलब कि जो पाथ है वो एक सर्कल है। केपलर ने कहा कि ये सर्कल ना होके, ये सर्कुलर ना होकर के, उन्होंने कहा ये गलत है भाई, सही क्या है, पाथ जो है उनका, जो प्लैनेट्स का मोशन का पाथ होता है वो एलिप्टिकल होता है। एलिप्टिकल मतलब एलिप्स में होता है। एलिप्स क्या होती है, कुछ ऐसा, थोड़ा इसमें गड़बड़ है, हम यहाँ पे जो यहाँ पे बिल्डिंग शेप है उसका यूज करता हूँ मैं एलिप्स बनाने के लिए, और वाइट कलर से हम बनाएंगे, ये देखिए ये, ठीक, ये एक एलिप्स है, एलिप्स का शेप है। एलिप्स मतलब आप अंडाकार समझते हैं, जैसे अंडा का शेप क्या होता है, एक गोल नहीं होता है, अंडा का जो शेप होता है वो क्या होता है, गोल नहीं होता है, वो कुछ ऐसा लंबा करके होता है, थोड़ा सा गोल ही रहता है, लेकिन ऐसा होता है कि एक सर्कल को, एक स्फीयर को थोड़ा सा खींच दिया गया है, लंबा कर दिया गया है। ये जो आप ये शेप देख रहे हैं यही है एलिप्टिकल शेप। एलिप्टिकल शेप जो होता है इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि ये जो ऐसे हम यहाँ पे होता है कि इसका रेडियस जो होता है, इस रेडियस क्या कहेंगे, सर्कल किस केस में, देखिए सर्कल होता है, इसको सेंटर में लाते हैं, क्या होता है सर्कल में कि एक आपका जो पाथ होता है सर्कुलर, यहाँ पे मैं बना के दिखाता हूँ आपको, यह सर्कुलर पाथ है, मान लीजिए सर्कल है, और तो यहाँ एक पॉइंट होगा, इसका सेंटर होगा एक, ठीक है, सेंटर मान लीजिए सी है, और इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी कि जो ये जो ये जो पाथ है उसका डिस्टेंस आप किसी भी पॉइंट पे लीजिएगा, किसी भी पॉइंट पे उसका जो डिस्टेंस है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, मतलब कि अगर यहाँ पे आर है तो यहाँ पे भी पॉइंट पे भी जो डिस्टेंस रहेगा आर ही रहेगा, मतलब इस सेंटर से ये जो ऑर्बिट है इस पे हर पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो हमेशा सेम रहता है। एलिप्स में ऐसा नहीं होता है। एलिप्स की क्या प्रॉपर्टी है, एलिप्स में क्या होता है, इसमें जैसे इसमें एक सेंटर होता है ना, सर्कल में एक सेंटर होता है, एलिप्स में दो सेंटर्स होते हैं, दो सेंटर्स, और इनको हम वहाँ पे सेंटर नहीं बोलते हैं, इनको हम फोसाई बोलते हैं, फोकस होता है ना, फोकस वर्ड सुना है ना, फोकस, ये वर्ड फोकस, ठीक, इसी का कोई वर्ड, ये इंग्लिश का पार्ट है कि अगर कोई वर्ड यूएस से एंड हो रहा है, फोकस, रेडियस या लोकस, ऐसे वर्ड्स हैं, उनका क्या होगा, फंगस, उनका जो प्लूरल बनता है, ये सिंगुलर फॉर्म है एक फोकस के लिए, उनका जो प्लूरल बनता है यानी बहुवचन, वो क्या रहता है, लास्ट में आप यूएस हटा के आई लगा देते हैं, क्या बनता है, फोसाई, इनको क्या बोलते हैं, फोसाई, ये प्लूरल फॉर्म है, तो फोकस का प्लूरल क्या होता है, फोसाई, तो यहाँ पे क्योंकि जो दो फोकस हैं, जो दो पॉइंट्स हैं, इनको फोकस कहते हैं, फोकस, ये फर्स्ट फोकस, सेकेंड फोकस, और इनको प्लूरल में क्या कहेंगे, फोसाई। या रेडियस का क्या होता है, रेडियस आप लिखते हैं ना, रेडियस मतलब ये जो त्रिज्या होती है, ये चीज़ रेडियस, इसको, इसका प्लूरल क्या होता है, आर ए डी आई, देखिए अब आई, अब यूएस आपको हटा के आई लगा देना है, रेडियाई, ये बन गया इसका प्लूरल, ठीक। तो वैसे इसमें जो फोसाई होते हैं, इसके दोनों, ये दो पॉइंट्स जो होते हैं इनके फोसाई होते हैं, मतलब ये फोकस होते हैं, दो दो फोकस पॉइंट्स, पहले को क्या बोलते हैं, एफ वन बोलते हैं, पहले को एफ वन बोलते हैं, दूसरे को एफ टू बोलते हैं, ठीक है। अब ये एक एलिप्स बन गया, एलिप्स ये शेप होता है जहाँ पे जो एक सर्कल ना होकर के ऐसे एक थोड़ा चपटा आप कह सकते हैं, मतलब जो ऐसा एक सर्कल को बना के उसको खींच दिया गया है, ठीक है, ऐसे को कहते हैं एलिप्स। तो केपलर ने ये बताया कि प्लैनेट्स के जो मोशन होते हैं वो कुछ इस शेप के होते हैं, मतलब अब एलिप्स में भी, अभी हम डिटेल में देखेंगे कि एलिप्स में भी अलग अलग एलिप्स की प्रॉपर्टीज होती हैं, उसके अलग अलग तरीके से हम बना सकते हैं। तो ऐसे में होता है, मतलब कि जो मोशन होता है वो सर्कुलर नहीं होता है कि सेंटर पे सन है, वो इस तरह से होता है, और सन जो होगा, जैसे यहाँ पे अगर हम मान रहे थे कि सर्कुलर मोशन हो रहा है, यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे हम मान रहे थे या यहाँ पे देख लीजिए कि सर्कुलर मोशन होता है, इसमें सन सेंटर पे होता था, तो भाई सबने कहा कि जब अगर मोशन आप कह रहे हैं कि मोशन इसमें सेंट्रल मतलब सर्कुलर नहीं होता, चलिए ठीक है मान लेते हैं, तो मोशन होता है तो उसमें सन की क्या पोजीशन आप बताएंगे, तो सन की पोजीशन ही होती है, या तो एफ वन पे रहेगा या एफ टू पे रहेगा। क्या कहा उन्होंने कि जो मोशन होता है प्लैनेट्स का वो एलिप्टिकल ऑर्बिट में होता है, उनका पाथ एलिप्टिकल रहता है, और सन कहाँ रहता है, किसी एक फोकस पे रहता है, किसी एक फोकल पॉइंट पे सन रहता है, मतलब सन यहाँ पे नहीं कि यहाँ पे सेंटर में रहेगा, यहाँ पे नहीं होता है, सन कहाँ होता है, या तो आपका यहाँ पे होगा या यहाँ पे होगा, दोनों में से किसी एक ऑर्बिट। तो यही था उनका पहला लॉ। एलिप्स के बारे में थोड़ा सा मैं आपको और डिटेल में बताना चाहूंगा, उसके लिए नेक्स्ट पेज पे जाएंगे, और इस बार थोड़ी सी बड़ी एलिप्स बनाएंगे,
बड़ी एलिप्स, इसका कलर मैं चेंज करता हूँ येलो पे और विजिबिलिटी थोड़ी अच्छी हो जाए जिससे, और ये भर गया ये चीज। अब एलिप्स बनाते हैं, ये देखिए कुछ ऐसा, ये एक एलिप्टिकल ऑर्बिट है जो नॉर्मली ऐसा होता है। देखिए हल्का सा सर्कुलर लग रहा है आपको, सर्कुलर लग रहा है, थोड़ा सा एलिप्टिकल है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा। ये देखिए एक एलिप्स बनाने का ये भी तरीका हुआ, ये भी एक एलिप्स है, ये देखिए ये भी एक एलिप्स है, लेकिन जो मोर प्रैक्टिकल है वो ये नियर टू सर्कल होते हैं लेकिन एलिप्टिकल होते हैं, मतलब परफेक्ट सर्कल्स नहीं होते हैं। तो ये था, और इसमें जो पहला पॉइंट होगा, पहला पॉइंट क्या होगा यहाँ पे, ये एफ वन होगा, पहला पॉइंट क्या होगा एफ वन होगा, और दूसरा पॉइंट क्या होगा एफ टू होगा, ठीक, मतलब पहला फोकस और दूसरा फोकस। अब जैसे सर्कल की प्रॉपर्टी होती है कि उसमें जो कोई, अगर इसमें जो इसका इसका जो पाथ है, उसे पेरीमीटर है, इस पर आप कोई भी पॉइंट लेंगे तो उसका जो डिस्टेंस है वो हमेशा रेडियस से कांस्टेंट रहेगा। सर्कल इसमें एलिप्स की क्या प्रॉपर्टी है उससे थोड़ा अलग है कि अगर मान लीजिए यहाँ पे मैंने कोई पार्टिकल माना, कोई पॉइंट माना पी, यहाँ पे कहीं भी मान लिया, पूरे एलिप्स पेपर कहीं पे भी पॉइंट पी मान लिया, तो सर्कल में तो उसका डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रहता है, हरदम उस जो रेडियस रहता है, और रेडियस मतलब जो सेंटर से डिस्टेंस होता है उसका, वो कांस्टेंट रहता है। इसमें क्या होता है कि आपका जो एफ वन पॉइंट है इससे डिस्टेंस, प्लस एफ टू पॉइंट है इससे डिस्टेंस, ठीक, मतलब ये डिस्टेंस जो है एफ वन पी और एफ टू पी, इसका सम हमेशा कांस्टेंट रहता है। मतलब कि अगर आप यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस जोड़ेंगे, यहाँ से यहाँ और प्लस यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस जोड़ेंगे, तो पॉइंट पी कहीं भी रहे वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। मतलब कि अगर वो पॉइंट पी है, ये देखिए अगर वो पॉइंट जो है हमारा वो पी है, तो क्या प्रॉपर्टी होगी कि एफ वन पी प्लस एफ टू पी इज ऑलवेज कांस्टेंट। यही प्रॉपर्टी है सर्कल, मतलब कि डिस्टेंस, द सम ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट वन फर्स्ट फोकस टू द सेकेंड फोकस, मतलब जो पॉइंट पी है उसका डिस्टेंस पहले फोकस से और दूसरे फोकस के, उन दोनों डिस्टेंसेस का जो योग है, जो सम है, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो जैसे अगर आप इस पॉइंट को अभी यहाँ से यहाँ मान रहे हैं, अब मान लीजिए पी को मैं यहाँ कहीं मान लूँ, कहीं यहाँ पे मान लूँ, सपोज यहाँ पे होगा हमारा पॉइंट पी। अब जो यहाँ से इसकी डिस्टेंस है ये, और फिर यहाँ से इसकी जो डिस्टेंस है ये, अब फिर ये फिर भी इसकी वैल्यू इसी के बराबर रहेगी। ये मान लीजिए अगर ये पी था, इसको हम पी वन मान लेते हैं पॉइंट को, पहले यहाँ पे P पोजीशन पे था पॉइंट, अब एक पॉइंट जो है वो P1 पोजीशन पे है। अब यहाँ से भी जो F1 P1 होगा और F2 P1 होगा, उसका सम कांस्टेंट होगा। मतलब कि यहाँ पे F1 P प्लस F2 P1 यहाँ पे, ये भी कांस्टेंट होगा, मतलब किसी कांस्टेंट के बराबर होगा, ये चेंज नहीं होगा। आप P को कहीं भी बना दें, तो अगर दोनों सेम है, मतलब ये चेंज नहीं होगा, मतलब ये कांस्टेंट इस कांस्टेंट के बराबर है, ठीक है, दोनों सेम है क्योंकि बदलने वाला है नहीं उनका सम। तो इससे हम क्या लिख सकते हैं कि F1 P1 प्लस F2 P1 यहाँ से इज इक्वल टू F1 P प्लस F2 P, ठीक, मतलब कि जो डिस्टेंस होगा, मतलब जो डिस्टेंस का सम होगा कहीं से भी, वो क्या रहेगा, वो हमेशा हमारा कांस्टेंट रहेगा। क्या होगा हमारा डिस्टेंस, जो डिस्टेंस है वहाँ से, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। यही प्रॉपर्टी है एलिप्स की, यही प्रॉपर्टी है जो इसको एलिप्स को एलिप्स बनाती है, ठीक है। अब ये एलिप्स का वन क्या, हमें समझ गया फोकस क्या होता है, यहाँ से यहाँ ये जो डिस्टेंस है, ये फर्स्ट पॉइंट है और सेकेंड पॉइंट है, इसको क्या बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं इसे, इसे हम फोकस बोलते हैं। अब यहाँ पे एक जो एलिप्स होता है, एलिप्स में कुछ और प्रॉपर्टीज होती हैं, एलिप्स की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, एलिप्स एक और एलिप्स बनाते हैं यहाँ पे, ठीक, और फिर यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन, यहाँ से यहाँ तक, और फिर यहाँ से स्ट्रेट लाइन यहाँ, ठीक है, तिरछा हो गया क्या, फिर से बना देते हैं ये, तो यहाँ पे ज्वाइन कर देता हूँ। अब देखिए हमारे जो पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट F1 है हमारा और ये पॉइंट F2 है हमारा, ठीक,
जो पॉइंट F1 F2 से एक स्ट्रेट लाइन आप पास कीजिए, मतलब ऐसे एक स्ट्रेट लाइन जो पॉइंट F1 F2 दोनों से पास होती है, वो यहाँ जाके यहाँ पे एलिप्स को कहीं ना कहीं कट करेगी, है ना। यहाँ पे कट करेगी, यहाँ पे दो पॉइंट्स हैं, यहाँ पे मैंने ले लिया कि यहाँ तक जा रही है लाइन। अब जो डिस्टेंस है क्या था हमारा, कि अगर पी कोई पॉइंट है उससे डिस्टेंस कॉन्स्टेंट रहता है ना। इसको क्या बोलते हैं, ये जो यहाँ से डिस्टेंस है, हम इसको पॉइंट को मैं इसको एम मानता हूँ और इस पॉइंट को एन मानते हैं और इसको चलिए क्यू मानते हैं। ये ध्यान रखिए कि आप जो कहीं बुक में देखेंगे, हो सकता है वहाँ पे अलग दिखाओ, मतलब जो पॉइंट्स के नेम, ये आर्बिट्रेरी होते हैं, ये आप पे डिपेंड होता है आप इसको क्या मान के चल रहे हैं। मैं ज़रूरी नहीं कि आप F1 F2 लिखिए, आप O1 O2 लिख दीजिए या C1 C2 लिख दीजिए कि दो सेंटर्स हैं। ये एक क्या होता है कि एक जनरल नोटेशन स्टार्ट हो जाता है कि हाँ अगर किसी ने यूज़ किया आप भी उसी तरह यूज़ करेंगे, तो अगर ये जनरली यूज़ होने लगेगा, कॉमन सब लोग यूज़ करेंगे, तो अगर आप कहीं भी देखेंगे आपको तुरंत समझ में आ जाए F1 F2 क्या है, उसके तो फोसाई हैं, मतलब जो फोकल पॉइंट्स है वो है। अदरवाइज अभी कहें यहाँ पे मान लीजिए कोई क्यू लिखे कोई आर लिखे, तो हमेशा आप कन्फ्यूज रहेंगे कि क्या पॉइंट्स हैं, फोकस ही हैं या कुछ और हैं, कोई और पॉइंट दिखाया जा रहा है। तो इसीलिए जनरल नोटेशन मैं यहाँ पे एम और एन यूज़ कर रहा हूँ इन दोनों पॉइंट्स के लिए, और क्यू और आर यूज़ कर रहा हूँ इन दोनों पॉइंट्स के लिए। क्या है कि ये जो यहाँ से लेकर के एम पॉइंट से लेकर एम एन तक की, यानी एम एन जो डिस्टेंस होती है, इसको हम क्या बोलते हैं ए, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम मेजर एक्सिस, क्या बोलते हैं इसको, एलिप्स का ये जो ये वाला है लंबा वाला पार्ट, क्या बोलते हैं इसको, जो लंबा वाला लाइन डिस्टेंस है यहाँ से, जो लंबी लाइन है, क्या बोलते हैं उसको, मेजर एक्सिस। और यहाँ जो क्यू और आर है इनके बीच की डिस्टेंस, देखिए ये इससे छोटी है, इसको बोलते हैं, इसको लिखते हैं बी लिखते हैं, और क्या बोलते हैं इसको, माइनर एक्सिस। तो दो एक्सिस होते हैं, टू एक्सिस होते हैं, टू एक्सिस कौन कौन से, एक ए होता है, ए को हम क्या बोलते हैं, मेजर एक्सिस। ये ए जो ए डिस्टेंस है ये यहां से नहीं, ये टू ए पूरा होता है, ये टू ए होता है, ये टू बी होता है। ये जो डिस्टेंस ए है वो यहां एम से यहां तक की होती है, जिसको मैं ओ कहूंगा। यहां पे ओ क्या है, वो पॉइंट है जहां पे ये दोनों लाइंस जो हैं वो क्रॉस कर रही हैं दूसरे को। जैसे एक स्ट्रेट लाइन ये है यहां से जा रही है जो F1 F2 से क्रॉस करे, और उस स्ट्रेट लाइन के बीच का जो मिड पॉइंट है वहां से एक स्ट्रेट लाइन पास करेगी जो इसके ये वाली लाइन के MN जो है उसके परपेंडिकुलर रहेगी, इस MN के परपेंडिकुलर रहेगी, मतलब बीच में 90 डिग्री का एंगल रहेगा, और इस वाले पॉइंट से पास करेगी। तो इस वाले पॉइंट से या जो M और O डिस्टेंस है, जो डिस्टेंस MO है ये, इसको हम बोलते हैं A, और जो यहाँ पे QO डिस्टेंस है इसको हम बोलते हैं B, ठीक है। तो अगर एम ए जो है डिस्टेंस है वो, एम ओ जो डिस्टेंस है वो ए है, तो एम ओ प्लस ओ एन मतलब एम एन जो डिस्टेंस है वो टू ए हो जाएगा, और ये डिस्टेंस पूरा टू बी हो जाएगा। तो ए को क्या बोलते हैं, यहाँ पे ए को क्या बोलते हैं, देखिए ए को हम यहाँ पे लिखते हैं सेमी मेजर एक्सिस। और बी को क्या कहते हैं, बी को क्या कहते हैं, सेमी माइनर एक्सिस, ठीक। ए और पॉइंट्स हैं, जो पॉइंट्स हैं, जो डिस्टेंसेस हैं ए और बी, और ये ए भी, ए यहां पे कहां से होता है, जो डिस्टेंस ए है वो कहां है, एम से लेकर के ओ तक का है, एम ओ, और जो बी है वो कहां तक का है, क्यू से लेकर के ओ तक का है, क्यू ओ, ठीक। ये डिस्टेंसेस हैं, तो जो डिस्टेंस M से O तक का होता है, मतलब जो सेंटर होता है, जो इसको आप सेंटर मान सकते हैं कि जो बीच का पॉइंट होता है, ये जहाँ पे दोनों लाइन्स एक दूसरे क्रॉस करती हैं, जो OM होता है उसको हम सेमी मेजर एक्सिस बोलते हैं, जो लंबा वाले का आधा होता है, और जो छोटा वाली लाइन होती है, जो छोटी लाइन होती है उसका जो हाफ होता है, यानी Q से लेकर के O तक का डिस्टेंस, उसे हम सेमी माइनर एक्सिस बोलते हैं। तो ये थी एलिप्स की कुछ प्रॉपर्टीज। मेन प्रॉपर्टी आपको एलिप्स अगर डिफाइन करना हो तो आप क्या कहेंगे कि जो पॉइंट होगा, ऐसा अगर हम एक पाथ बना दें, ये देखिए पीला वाला जो येलो कलर से बनाया ये पाथ है, अगर एक ऐसा हम पाथ बना दें जो किन्हीं दो पॉइंट से उसकी जो डिस्टेंस है पॉइंट पे, आप किसी भी पॉइंट पाथ पे कोई पॉइंट ले लीजिए और कोई दो फिक्स्ड पॉइंट ले लीजिए, उनसे डिस्टेंस का जो सम होगा हमेशा कॉन्स्टेंट होगा, चाहे वो पॉइंट यहाँ पे हो या यहाँ पे हो या यहाँ पे हो, कहीं भी हो, एलिप्स पे कहीं भी पॉइंट होगा वो, उसका जो डिस्टेंस होगा
वो उन दोनों पॉइंट से जो डिस्टेंस होगा वो सम कांस्टेंट होगा, मतलब पॉइंट अगर P है तो PF1 और प्लस PF2 हमेशा कांस्टेंट रहेगा, और आप F1 और F2 जो बनेंगे जो दो पॉइंट्स हैं उन्हें क्या बोलते हैं, फोकल पॉइंट्स बोलते हैं, यानी फोसाई बोलते हैं उस एलिप्स के। तो ये था, और ये एलिप्स जो है यही शेप जो था, इसी शेप के बारे में हमारे क्या जो केपलर साहब थे, जो साइंटिस्ट जोहानस केपलर थे, उन्होंने बताया था कि जो सन मतलब होता है वो इन्हीं दोनों में से किसी एक फोकल पॉइंट पर रहता है, प्लैनेट पर डिपेंड करता है किस प्लैनेट पर सन किस फोकल पॉइंट पे है, एफ वन पे है या एफ टू पे है। एफ वन एफ टू का जनरल यहाँ पे सेंस नहीं है कि एफ वन किसको कहेंगे और टू किसको कहेंगे, जस्ट नाम दे दिया गया है कि इसको वन है इसको टू, आप इसको एफ वन बोल सकते हैं इसको एफ टू बोल सकते हैं, बस दो पॉइंट्स हैं जिनमें में से किसी एक पे सन रहता है और जो पाथ होगा है एलिप्टिकल होगा। ठीक, तो यहाँ पे मैं उसको वर्ड्स में लिख देता हूँ, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना कि जो सर्कल हो जो एलिप्स होगा उस पे ये जो सेमी मेजर एक्सिस है यहाँ से यहाँ तक सेमी मेजर एक्सिस, पूरे को क्या बोलेंगे, पूरे को मेजर एक्सिस बोलेंगे, इसको पूरे को माइनर एक्सिस बोलेंगे, सेमी का मतलब आधा होता है, तो अगर यहाँ से हम केवल यहाँ तक ओ तक का देखेंगे तो उसे सेमी मेजर बोलेंगे, और यहाँ से क्यू से केवल ओ तक का देखेंगे तो उसे सेमी माइनर एक्सिस बोलेंगे। ठीक है, और कोई भी बस वो जो मेन डेफिनेशन है एलिप्स की वो क्या है, जो डिस्टेंस है यहाँ पे जो हमने लिखा है कि जो सम ऑफ डिस्टेंस है फ्रॉम फर्स्ट फोकस प्लस जो डिस्टेंस है सेकेंड फोकस से, दोनों का सम हमेशा कांस्टेंट रहता है, पॉइंट कहीं भी बना लीजिए एलिप्स पे। ठीक, तो ये था हमारा एलिप्स के बारे में। अब मैं फर्स्ट लॉ को लिखता हूँ यहाँ पे, फर्स्ट लॉ लिखते हैं, फर्स्ट लॉ ये क्या, एक चीज याद रखिएगा कि फर्स्ट लॉ जो है, फर्स्ट लॉ सेकेंड लॉ थर्ड लॉ, ये ऐसे न्यूटन का भी जो हमने जो बहुत स्टार्टिंग में पढ़ा था कि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, वो भी ऐसे फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीन लॉज दिए हैं। तो आप ये कंफ्यूज नहीं होइएगा कि कौन सा न्यूटन का है कौन सा केपलर का है, न्यूटन्स के जो लॉज हैं वो जनरल मोशन के लिए बनाए गए हैं, आप कहीं भी किसी भी तरह से मोशन हो रहा हो उसमें फॉलो होंगे वो। ठीक है, कहीं भी मोशन हो रहा है, एक बॉल का मोशन है, कार का मोशन है, प्लैनेट का मोशन है, गैलेक्सी का मोशन है, उसमें वो लॉज का यूज होता है, वो यूनिवर्सल लॉज हैं एक हिसाब से आप कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो ये लॉज हैं ये प्लैनेटरी मोशन के लिए हैं केवल, मतलब जो प्लैनेट्स जो हैं वो सन के अराउंड मोशन करते हैं उन पे लिए ये लॉज स्पेशली उनके लिए लिए गए हैं। तो ये फर्स्ट लॉ का मतलब क्या है, केपलर्स फर्स्ट लॉ। ठीक है, ये इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है, इसको आप ध्यान रखना है कि न्यूटन्स के लॉज हैं, एनर्शिया का लॉ है, फिर मोमेंटम का लॉ, वो मोमेंटम नहीं एक्सेलरेशन का लॉ है कि जो फोर्स अगर लगाएंगे तो उसमें एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और तीसरा एक्शन रिएक्शन पेयर का है। यहाँ पे लॉज जो है प्लैनेटरी मोशन के हैं, जिनमें से जो पहला लॉ है फर्स्ट लॉ है वो क्या कहता है कि द ऑर्बिट्स ऑफ मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन, जो ऑर्बिट्स हैं प्लैनेट्स के मोशन के अराउंड द सन आर एलिप्टिकल इन शेप, आर एलिप्टिकल इन शेप, इन उनका शेप होता है एलिप्टिकल इन शेप। थोड़ा सा इसके आगे और बढ़ा है क्या लिखा है, तो बेसिक बात ये हो गई कि एलिप्टिकल शेप के होते हैं, आगे क्या है, विद द सन with the sun being situated, इसका मतलब आप देख मैं बता चुका हूँ क्या कि जो sun है being situated on one of the focal points, the focal points, इसको अगर better होगा मैं foci ही लिखूँ। ठीक है, क्या foci, तो क्या कहता है ये लॉ कि जो प्लैनेट्स का मोशन है उसमें जो ऑर्बिट्स हैं वो किस शेप में होते हैं, एलिप्टिकल शेप में होते हैं, और जो सन होगा वो किसी दो, दो जो दोनों फोकस पॉइंट्स हैं उनमें से किसी एक में होगा। और यहाँ पे मैं यहाँ पे फिगर यहाँ पे बना देता हूँ एक ऐसा जिससे आप लोग इसको एज अ नोट रख सकें यहाँ से। ठीक है, ये एलिप्टिकल शेप हुआ। ठीक है, यहाँ से हटा के ऐसे थोड़ा स्ट्रेट बनाते हैं,
ठीक, एलिप्टिकल शेप ये हुआ, और इसमें जो ये पॉइंट है F1 और ये है F2, ठीक, शेप एलिप्टिकल रहेगा। ये प्लैनेट हो गया हमारा, ये प्लैनेट हमारा हो गया, और ये मान लीजिए F1 पे मान लीजिए हमारा सन है, जो सन है हमारा ये क्या है, ये क्या है हमारा, यहाँ पे एरो बना के हम लिखते हैं, ये सन है और ये क्या है हमारा, ये प्लैनेट है, ठीक, जिसके बारे में बात हो रही है, ये वो प्लैनेट है। और इसका ऑर्बिट क्या है, यहाँ पे देखिए ऑर्बिट एलिप्टिकल है और सन एक फोकल पॉइंट पे है, यही फर्स्ट लॉ पूरा कहता है। फर्स्ट लॉ का पूरा जो बात है वो सिर्फ और सिर्फ बस यही है कि जो मोशन होगा वो एलिप्टिकल ऑर्बिट में होगा, और जो प्लैनेट होगा एलिप्टिकल मूव करेगा, सन किसी एक फोकस पे होगा, F1 पे या F2 पे, आप जो भी चाहें, ठीक है। दूसरा लॉ आता है, इसको आप चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए कहीं पे, मैं कुछ सेकंड्स के लिए रुकता हूँ, आप इसको पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पे इधर से पूरा लॉ लिखा है, उसका डायग्राम है यहाँ पे, ठीक। अगले पे चलते हैं, सेकेंड लॉ, ठीक है, सेकेंड लॉ, सेकेंड लॉ भाई क्या कहता है, जो दूसरा नियम है, दूसरा नियम ये कहता है, सेकेंड लॉ केपलर का सेकेंड लॉ है, न्यूटन का नहीं है, याद रखिएगा। सेकेंड लॉ क्या कहता है केपलर का, जो प्लैनेटरी मोशन का है, कि जो एरियल वेलोसिटी है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है। आप याद रखिए, आप याद कीजिए, ये पॉइंट हम पिछले क्लास में ही पढ़ चुके हैं, सर्कुलर सेंट्रल मोशन के कॉन्टेक्स्ट में, जो मोशन अंडर सेंट्रल फोर्स का टॉपिक हमारा था उसमें भी ये पढ़ चुके हैं कि जब कोई मोशन होता है वो सेंट्रल फोर्स के अंडर में होता है तो वहाँ पे एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। अब देखिए क्यों सेंट्रल फोर्स पहले पढ़ाया गया आपको, क्यों बताया गया सेंट्रल फोर्स, यहाँ पे देखिए ये जो फोर्स लग रहा है यहाँ पे प्लैनेट है जो F1 है, मैं इसको थोड़ा खराब नहीं करूँगा, यहाँ से देखिए आप जो मोशन है यहाँ पे वो सेंट्रल फोर्स को हम कहेंगे कि ये मोशन कैसा है, एक बाउंडेड मोशन है अंडर अ सेंट्रल फोर्स, याद आया ना बाउंडेड अनबाउंडेड की कंडीशन, ये बाउंडेड की कंडीशन है कि जो मोशन हो रहा है वो बाउंडेड है, मतलब प्लैनेट जो है उसका ऑर्बिट फिक्स्ड है कि कितने डिस्टेंस के अंदर कितने कितना जो वो उसका एरिया है या कहीं कितना स्पेस है जिसके अंदर प्लैनेट मोशन कर सकता है वो फिक्स्ड है, इसलिए बाउंडेड मोशन है। और सेंट्रल फोर्स क्यों है, ज़रा सोचिए खुद से बताइए, खुद को बताइए कि सेंट्रल फोर्स क्यों है, क्या था सेंट्रल फोर्स की डेफिनेशन, मेरे साथ साथ आप खुद से लाउड होके खुद से दोहराइए, क्या था सेंट्रल फोर्स, कब होता है, जब जो प्लैनेट्स का जो उनका फोर्स होता है, जो फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन होता है वो उन बॉडीज के जो सेंटर हैं उनको जो लाइन ज्वाइन कर रही है उसके अलॉन्ग होता है। यहाँ पे देखिए वो कंडीशन है कि नहीं है, यहाँ पे जो दोनों बने हैं उनको हटाते हैं पिछले में, यहाँ पे जिसमें किसी में एक होगा, ये देखिए इस वाले में F1 यहाँ पे बना है, F2 बना है, यहाँ पे मान लीजिए मैंने कहा कि सन F1 पे है, इसको मैं थोड़ा निकालता हूँ यहाँ से, इतना अरे नहीं केवल, अब देखिए F1 पे हमारा सन है, ठीक है, मैं इसको सन दिख रहा हूँ कि यहाँ पे सन है, ठीक, और ये प्लैनेट है हमारा मान लीजिए। अब यहाँ से जो फोर्स लग रहा है इस पे, फोर्स सन ही फोर्स लगाएगा, और वो कौन सा फोर्स होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में आगे हम पढ़ेंगे डिटेल में, और ये ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगा अब उस पर प्लैनेट के बीच में लग रहा है। अब देखिए जो लाइन ऑफ एक्शन है फोर्स का वो क्या है, ये है इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है जिसको रोके हुए हैं। अब इसको बेटर होगा हम इधर लगाएं कि फोर्स जो लग रहा है सन क्या कर रहा है, वो अट्रैक्ट कर रहा है प्लैनेट को अपनी तरफ, तो फोर्स अट्रैक्टिव इन नेचर है। अब फोर्स लग रहा है प्लैनेट पे, देखिए आप फोर्स का जो लाइन ऑफ एक्शन है वो क्या है, मतलब डायरेक्शन क्या है, ये लाइन के अलॉन्ग है, और वो लाइन क्या है, वही लाइन है जो इनके सेंटर को ज्वाइन करती है ना, जो स्ट्रेट लाइन दोनों के सेंटर्स को ज्वाइन करती है उसी लाइन के अलॉन्ग इनका फोर्स लग रहा है, इसीलिए क्या है, एक सेंट्रल फोर्स है। और चूंकि ये सेंट्रल फोर्स की प्रॉपर्टी थी कि एरियल वेलोसिटी कॉन्स्टेंट होती है, मतलब एरिया स्वेप्ट पर यूनिट टाइम इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट, दैट इज वाई वी आर सीइंग द सेकेंड लॉ। ये उसी लॉ से वहीं से उठ के आया है सेंट्रल फोर्स वाले से कि जो एरियल वेलोसिटी होती है वो कांस्टेंट होती है। तो क्या कहेंगे हम, वही डेफिनेशन लिखेंगे जो हमने उसमें लिखी थी, प्लैनेट्स के कॉन्टेक्स्ट में लिखेंगे, द एरियल वेलोसिटी इज
ऑफ प्लैनेट्स इन ऑर्बिट अराउंड द सन। यहाँ पे बेटर होगा हम यहाँ पे ये वर्ड जो हमने पढ़ा है मेंशन कर दें, इन एलिप्टिकल ऑर्बिट अराउंड द सन, है ना, और हम प्रिसाइज हो जाएंगे वहाँ पे, और प्रिसाइजली होगा, बेटर तरीके से हम बता रहे हैं, इन एलिप्टिकल ऑर्बिट अराउंड द सन, अराउंड द सन। वैसे अंडरस्टूड बात होनी चाहिए कि जो प्लैनेट्स का अगर हम वेलोसिटी कह रहे हैं, प्लैनेट्स का जो हम मोशन कह रहे हैं, तो वो एलिप्टिकल ऑर्बिट में ही होगा, अराउंड द सन ही होगा, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे मेंशन करते रहे मोर प्रिसाइज बनाने के लिए अपने डेफिनेशन को। आर इन एलिप्टिकल ऑर्बिट अराउंड द सन इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट। अब देखिए इसके आउटकम्स क्या होंगे, इसका जो मतलब होगा वो यहाँ पे आपको और बेटर समझ में आएगा, ठीक है, कि एरियल वेलोसिटी कॉन्स्टेंट होने का क्या मतलब है, बहुत ही मजेदार फिनोमेना उससे सामने आता है। तो फिलहाल हम क्या कहेंगे, जो एरियल वेलोसिटी है प्लैनेट्स की वो कॉन्स्टेंट है, मतलब हमने प्रीवियस क्लास में डायग्राम बनाया था, इस बारे में ही हम डायग्राम बनाएंगे इस तरह से। सबसे पहले अपनी एलिप्स बनाएंगे हम, आप ये देख लीजिए कि जो वेलोसिटी होती है, जो एरियल वेलोसिटी होती है, इस टर्म का बड़ा महत्व है, बहुत इंपॉर्टेंस है इस टर्म की, ये वाले टर्म की, एरियल वेलोसिटी, नॉर्मल वेलोसिटी नहीं है, एरियल वेलोसिटी है, क्या होती है हम समझेंगे आगे, एरियल वेलोसिटी क्या होती है, ये कॉन्स्टेंट होती है अराउंड द सन, आप इसको नोट कर सकते हैं पहले, फिर हम आगे चलते हैं, इसको हम जो डायग्राम से अपना समझते हैं। यहाँ पे डायग्राम, यहाँ पे एलिप्स पहले बनाएंगे, ठीक है, ये एलिप्स बन गया हमारा, और यहाँ पे इस फोकस पे सन है, यहाँ पे हमारा, यहाँ पे एफ नहीं लिख के हम सीधा सन को बना देते हैं, ठीक, ये सन है हमारा, वाइट लाइट दे रहा है ना, सन जो है वाइट कलर की लाइट दे रहा है, स्पेस भी थोड़ा ब्लैक होता और अच्छा लगता, लेकिन फिलहाल हम ग्रीन स्पेस से ही काम चलाएंगे क्योंकि हमें समझना है सिर्फ, है ना। तो ये हमारा सन है, और ये सपोज प्लैनेट है हमारा, थोड़ा सा और छोटा बनाते प्लैनेट को, ये, और ये यहाँ से फोर्स लग रहा है, इनके दोनों बीच में फोर्स लग रहा है। अब केपलर का लॉ जो है वो क्या कह रहा है, ये बात हमेशा आप याद रखिए, लॉज जो होते हैं वो कोई चीज डिसाइड नहीं करते हैं, किसी फिजिकल फिनोमेना को लॉ की वजह से वो फिनोमेना नहीं हो रहा है, ये फिनोमेना हो रहा है, ऐसा जो प्रोसेस है वो हो रहा है नेचर में, उसको स्टडी करने के लिए, उसको समझाने के लिए एक बेटर तरीके से मैथमेटिक्स और फिजिक्स की लैंग्वेज में उसको हम एक्सप्लेन करने के लिए ये लॉज का यूज़ करते हैं। तो ये लॉ क्या कहता है, इसको कैसे समझाता है, ये सन है यहाँ पे, गलती से सन लिख गया था, सन है। अब ये प्लैनेट जो है इसका जो मोशन होगा, मान लीजिए इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, क्लॉकवाइज इसका मोशन हो रहा है, सपोज यहाँ पे इस डायरेक्शन में चल रहे हैं प्लैनेट, ठीक है। अब प्लैनेट का मोशन जब इधर हो रहा है तो एरियल वेलोसिटी का मतलब कहाँ है, उसका कॉन्टेक्स्ट समझिए, मान लीजिए प्लैनेट यहाँ पे था टाइम टी इक्वल जीरो पे, ये कॉन्सेप्ट हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं, यहाँ पे फिर से हम एक्सप्लेन कर रहे हैं प्लैनेट्स के कॉन्टेक्स्ट में, टी इक्वल टू जीरो पे जब टाइम जीरो था, मान लीजिए मतलब एक पर्टिकुलर टाइम, मतलब जब टाइम की स्टार्टिंग, यहाँ पे जो हमारे एक्सपेरिमेंट की स्टार्टिंग हुई, वहाँ से जहाँ से हमने ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया, वहाँ पे जब टाइम हमारा जीरो था उसका, तो इसका जो यहाँ पोजीशन था वो यहाँ पे था, पी वन पोजीशन थी उसकी, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद मान लीजिए यहाँ पे टी इक्वल्स टू सेकेंड हो गया, दो सेकेंड के बाद, हम फिलहाल ऐसे समझने के लिए केवल लिख रहे हैं, ये एक्चुअली में टाइम ज़्यादा लेगा, बहुत ज़्यादा टाइम लेगा इसके कंपेरिजन में, ये प्लानट यहाँ पे पी वन पोजिशन पर पहुँच गया, ठीक है, कहाँ टी इक्वल टू टू पे, पी वन पे पहुँच गया, तो यहाँ पे कुछ एरिया उसने कवर किया, एरिया कैसे कवर किया, यहां से ये जो एरिया थी यहां से लेकर के यहां तक, ये सन को अगर हम यहां पे लिख दें एस, एक एक वर्ड से लिखें सन को, सन को क्या लिखें एस, अगर एस से समझाएं तो एरिया क्या हुई, कितना एरिया स्वेप्ट किया, एरिया स्वेप्ट मतलब कितना एरिया कवर किया, एरिया कवर्ड, इसको आप एरिया कवर्ड अगर समझना नहीं समझना तो इसे एरिया कवर्ड में लिख सकता हूं, एरिया कवर्ड इक्वल्स कितना हुआ, एस पी वन पी टू, एस पी वन पी टू, ठीक, पी वन पे था, पी टू पे पहुंच गया, कितने टाइम में दिया, जीरो से टू सेकेंड में गया तो दो सेकेंड का टाइम लिया, मतलब कि प्लैनेट ने इतना एरिया कवर किया, कितना एरिया था यहाँ पे, इससे हम इसको चलिए ब्लैक कलर में दिखाते हैं,
ये क्लियर हो रहा होगा, इसे ब्लैक दिख रहा होगा, इसको हम हाईलाइट नहीं करना चाहते, इसकी वजह से ब्लैक में लिख रहे हैं। बस आपको समझना है कि ये इतना एरिया कवर हुआ। एरिया कवर होने का मतलब प्लैनेट तो एक लाइन में चल रहा है, एक लाइन में मोशन हो रही है, लेकिन फिर भी एरिया क्या है, एरिया का कॉन्सेप्ट ये है कि सन से अगर उसकी जो लाइन, जो एक लाइन हम बनाए जो उसको सन से ज्वाइन कर रहा है, तो वो लाइन से ये लाइन यहाँ से यहाँ पहुँच गई अब, ठीक है, ये लाइन पहले यहाँ थी, 2 सेकंड बाद यहाँ पहुँच गई, तो इस लाइन ने जितना एरिया क्लियर किया उसको हम कहेंगे कि प्लैनेट ने इतना एरिया कवर किया। और ये कितने की देर में किया, 2 सेकंड में किया। तो एरिया कवर तो ये है, टाइम टेकन क्या है, कितना टाइम लिया, 2 सेकंड्स, ठीक। ये क्या है, 2 सेकंड क्या है, T1, यहाँ पे टाइम T1 हो गया, T1 माइनस T0, T0 था यहाँ पे, ठीक। और T1 माइनस T0 कितना था, 2 सेकंड हमारा था, क्या था, 2 सेकंड है। और ये पॉइंट T1 टाइम था माइनस T0 टाइम था, ठीक है, T1 से T0 के बीच में 2 सेकंड का टाइम लिया। अब आप देखिए एरियल वेलोसिटी कॉन्सेप्ट, एरिया समझ में आ गया कि कैसे एरिया हम कैलकुलेट कर, कैसे हम देख रहे हैं एरिया को, ये विजुअलाइजेशन ये है एरिया का, ये इतना एरिया जो कवर किया, इतना जिसको हमने शेड किया है ब्लैक कलर से, वो उसका एरिया है। और एरियल वेलोसिटी अब आप समझ जाएंगे तुरंत, एरियल वेलोसिटी यहाँ पे क्या हो जाएगी, एरियल वेलोसिटी नॉर्मल क्या होती है, या स्पीड आप देखेंगे तो वेलोसिटी क्या होती है कि डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। यहाँ पे एरिया, एरिया याद रखिए, एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है, जैसे डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, वैसे एरिया भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। और एरिया जो वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड तो आप समझ जाएंगे, मैग्नीट्यूड निकालना आता है, उसका डायरेक्शन कैसे होगा, डायरेक्शन कैसे होगा, इस डायरेक्शन निकालेंगे। जैसे एरिया अगर माने कि ये पॉइंट ये लाइन से ये लाइन के बीच में हम एरिया निकाल रहे हैं, जैसे मान लीजिए ये लाइन पहले थी और फिर अब ये लाइन बन गई, ये लाइन बन गई यहाँ पे, ये अब यहाँ से लेकर कि यहाँ मोशन हुआ, तो इसका एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा वही आउटवर्ड होगा, बाहर प्लेन के पॉइंट होगा, इस तरह से। तो एरियल वेलोसिटी में क्या करेंगे हम, जब एरियल वेलोसिटी निकाल रहे हैं तो एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसीलिए उसको वेलोसिटी हम बोलते हैं, स्पीड नहीं बोलते हैं, ठीक है, एरियल स्पीड नहीं बोलते हैं, इसी वजह से एरियल वेलोसिटी बोलते हैं। एरियल वेलोसिटी क्या होगी, एरिया कवर्ड अपॉन टाइम टेकन, ठीक। एरिया कवर्ड कितना हुआ हमारा, एस पी वन पी टू अपॉन टाइम 2 सेकंड। मैं यहाँ पे एरिया कोई मैग्नीट्यूड नहीं दे रहा हूँ, मतलब इसका कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं लिख रहा हूँ, बस आपको समझाने के लिए कि एक जनरल वैल्यू होगी यहाँ पे। मैं यहाँ पे समझने के लिए कुछ लिख सकते हैं कि मान लीजिए 20 मीटर स्क्वायर का एरिया क्लियर किया, 30 मीटर स्क्वायर, लेकिन वो केवल हमारे कॉन्सेप्ट समझने के लिए है, क्योंकि एक्चुअली में प्लैनेट्स बहुत बड़े होते हैं, उनके सन बहुत बड़ा है, हम इमेजिन नहीं कर पाएंगे एक्चुअली में ठीक से कि कितना बड़ा है, उसमें एरिया कितना कवर होगी। फिलहाल हम यहाँ समझाने के लिए 2 सेकंड कॉन्सेप्ट लेके एरिया को हम मान सकते हैं कि 20 मीटर का एरिया उसने क्लियर, 20 मीटर स्क्वायर का एरिया या 30 मीटर स्क्वायर का एरिया क्लियर किया, लेकिन यहाँ पे हम उसको एक मैग्नीट्यूड नहीं दूंगा मैं, और यहाँ पे टाइम को भी बेटर होगा कि टाइम को भी हम मैग्नीट्यूड ना दें, ठीक है, टाइम को भी मैग्नीट्यूड ना लिख के हम सीधा लिख दें टी, कितना टाइम लिया, यहाँ पे 2 सेकंड की जगह पे हम यहाँ पे लिख सकते हैं ये, ठीक है, 2 सेकंड के यहाँ पे जगह पे हम यहाँ पे टी लिखेंगे, टाइम कितनी टाइम लिया उसने, ठीक है, जिससे हम इतना उसको छोटा ना वैल्यू करते, 2 सेकंड बहुत कम टाइम होता है, आप समझ रहे हैं कि अर्थ अगर यहाँ से यहाँ पे मोशन कर रही है तो 24 घंटे में वो यहाँ से लेकर के फिर यहाँ पहुँच जाएगी, ठीक है, आराम दुमा 24 घंटे मतलब 365 दिन में यहाँ से लेकर के यहाँ पहुँचेगी, तो यहाँ से यहाँ पे 2 सेकंड का कोई चांस ही नहीं बनता है, हम समझने के लिए इसको लिए थे 2 सेकंड। यहाँ पे टी टाइम में उसने एस पी वन पी टू यानी इतना एरिया कवर किया, तो ये हुई इसकी एरियल वेलोसिटी P1 से P2 आने के लिए, समझ में आया इतना, P1 से P2 आने के लिए इतनी हुई एरियल वेलोसिटी। आप इसको इस साइड करते हैं फिगर को, और यहाँ पे अपना फिर अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं, अगला कॉन्सेप्ट मतलब इसी का अगला पार्ट, कि अब यहाँ पे P2 पे पॉइंट पे पहुंच गया, अब प्लैनेट फिर P2 से फिर चल के सपोज यहाँ पे पहुंच गया, पॉइंट कहाँ पहुंच गया, यहाँ पे मैं दिखता हूँ, यहाँ पहुंच गया, मान लीजिए P3 पॉइंट इसे हम कहेंगे, और यहाँ पे टाइम कितना लिया, यहाँ पे टाइम T2 हुआ, और टाइम T2 को क्या कहेंगे हम, मान लीजिए T सेकंड्स कहेंगे, T सेकंड्स में मतलब T टाइम लिया और पोजीशन T2 हो गई, मतलब टाइम को हम उसको T2 डिनोट कर रहे हैं, और P3 पॉइंट पे अपने पहुँच गया। अब देखिए यहाँ पे अब फिर से हम वो लाइन बनाते हैं, अब कितना एरिया कवर किया,
यहाँ से देखते हैं, मैं यहाँ पे फिर यहाँ पे चलिए ये ब्लू कलर यूज़ करते हैं यहाँ पे एरिया को शेड करने के लिए। वहाँ पे ब्लैक था, यहाँ पे ब्लू कलर है, ठीक। अब की बार इतना एरिया कवर हुआ, ये क्या एरिया कवर हुआ। एरिया को हम कैसे लिखेंगे यहाँ पे, क्लियर हुआ ना, डायग्राम में क्लियर होगा आपको कि एरिया कितनी कवर हुई। अब यहाँ पे एरिया कवर्ड में लिखता हूँ, एरिया कवर्ड। आपकी एरिया कितना कवर हुआ भाई, बताइए जरा, आपकी एरिया कितना कवर हुआ। एस पी टू पी थ्री, एस पी टू पी थ्री, समझ में आ रहा है। टाइम कितना हुआ, टाइम कितना दिया, टाइम टेकन बराबर टी की जगह पे हम इसको, यहाँ पे टाइम टी था, टाइम यहाँ पे टी था, यहाँ पे टाइम सपोज यहाँ पे हम पोजीशन ले रहे हैं कि पोजीशन कितना था, यहाँ पे टाइम को टी जीरो से हम टी वन तक लाए थे। बेटर होगा हम टी वन यहाँ पे टी वन ही रखें, टी जीरो से टी वन टाइम था, यहाँ पे टी वन से टाइम जो हो गया क्या हो गया, टी वन से आगे बढ़ गया टाइम, कितना हो गया टाइम टी टू हो गया हमारा। सिंपल इसको लिखते हैं टी टू, कॉम्प्लेक्स नहीं करते हैं, कि टाइम यहाँ पे टी जीरो था, यहाँ पे टी वन टाइम था, यहाँ पे टाइम टी टू हो गया, ठीक। अब देखिए यहाँ पे अब टाइम कितना लिया, टी टू माइनस टी वन है ना, टी टू माइनस टी वन, यहाँ पे अगर हम लिखें इसको तो यहाँ पे टाइम कितना था, यहाँ पे एक बार देखिए, चूंकि हमने वहाँ पे डायग्राम में चेंज किया है कि टी वन उसको हम डोनेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे टाइम टेकन कितना हुआ टी वन, ठीक है, कितना हुआ टी वन टाइम देगा, यहाँ पे टी वन माइनस टी जीरो, और टी जीरो चूंकि हम जीरो मान रहे हैं तो टी वन ही आएगा, फिलहाल इसको ऐसे देखते हैं, टी वन माइनस टी जीरो टाइम लिया। इस केस में जो यहाँ पे जब ये वाला मोशन हुआ तो इसमें कितना टाइम लिया, टी टू माइनस टी वन, क्या हुआ यहाँ पे डायग्राम में देखिए, टी टू माइनस टी वन, टी टू माइनस टी वन, ठीक है। ये थी एरियल वेलोसिटी। अब एरियल वेलोसिटी यहाँ से क्या निकालेंगे आप, वेलोसिटी कितना है, एरियल वेलोसिटी कितना निकालेंगे, कैसे आएगा, क्या आएगा, यहाँ पे एस पी टू पी थ्री, पी टू से पी थ्री में गया, एस सेंटर, एस उसका सन था, और टी टू माइनस टी वन। अब केपलर का लॉ ये कहता है कि एरियल वेलोसिटी जो है वो हमेशा आपकी कॉन्स्टेंट रहेगी, मतलब कि इससे क्या मतलब हो रहा है, अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ, केपलर का सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग क्या कहेगा, ये हमारा ये होना चाहिए कि एस पी वन पी टू जो था डिवाइडेड बाई टी वन माइनस टी जीरो, ये जो वेलोसिटी थी इसको एस पी टू पी थ्री, एस पी टू पी थ्री डिवाइडेड बाई टी टू माइनस टी वन, ठीक, ये टी टू माइनस टी वन लिखा है यहाँ पे, डिवाइडेड बाई टी टू माइनस टी वन, ये दोनों बराबर होंगे। ये देखिए मेन जो आपका आया वो ये आया कि ये दोनों वैल्यूज बराबर होंगी, इक्वल होंगी, मतलब कि जो वेलोसिटी उसकी यहाँ पे थी, मतलब जिस एरियल वेलोसिटी से प्लैनेट ने इतना एरिया कवर किया था एस पी टू एस पी वन पी टू, उतनी ही एरियल वेलोसिटी से ये एरिया कवर करेगा एस पी टू पी थ्री, मतलब कि जितना टाइम लेगा, अगर मान लीजिए हम यहाँ पे एक वैल्यू देते हैं यहाँ पे एरिया को, मान लीजिए यहाँ पे 20 मीटर स्क्वायर की एरिया थी, मान लें यहाँ पे 20 मीटर स्क्वायर की एरिया कवर की थी सपोज दैट, और यहाँ पे कितना टाइम लिया था 2 सेकंड का, तो यहाँ एरियल वेलोसिटी कितनी हो गई, कितनी हो गई 20 मीटर स्क्वायर का टाइम वो एरिया कवर किया 2 सेकंड में, तो कितना हो गया 20 बटा 2 कितना हो गया 10 मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड, मतलब 10 मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड के वेलोसिटी से उसने इतना एरिया क्लियर किया एरियल वेलोसिटी से। तो यहाँ पे 2 सेकंड में 20 मीटर स्क्वायर का एरिया कवर किया, तो यहाँ पे जब ये वाला एरिया कवर करेगा, और मान लें यहाँ पे कि टी टू माइनस टी वन जो है वो भी 2 सेकंड है, तो वहाँ पे उसको कितना एरिया कवर करना है, कितना एरिया कवर करना है 20 मीटर स्क्वायर का, मतलब कि अगर कुछ पर्टिकुलर टाइम में 2 सेकंड में यहाँ पे जितना एरिया कवर करेगा उतनी ही एरिया अगले टाइम में उसको कवर करते चलना है, मतलब कि एरिया जितना कवर करेगा वो टाइम से डिवाइड करने पे हमेशा कांस्टेंट रहेगा, एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट होने का यही मतलब है। यहाँ पे हमें स्टेटमेंट लिख दिया है, ये देखिए, एरियल वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट्स इन एलिप्टिकल ऑर्बिट अराउंड द सन इज कांस्टेंट, मतलब ये हर एक प्लैनेट के लिए कहा गया है, ये नहीं कि सब प्लैनेट्स का एरियल वेलोसिटी सेम है,
लेकिन एक पर्टिकुलर प्लैनेट का, आप अर्थ को ले लीजिए, मार्स को ले लीजिए, तो उसका अपना एरियल वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहेगा। मतलब जितना एरिया वो कवर करेगा एक पर्टिकुलर टाइम में, वो उतना ही कवर करेगा पूरे साल भर, पूरे साल, अगले साल, उसके अगले साल, उतना ही एरिया कवर करेगा, हमेशा बराबर रहेगा, वो कांस्टेंट रहेगा। अब इसका इम्प्लीकेशन जो मैं बात कर रहा था कि इसकी एक इम्प्लीकेशन है, बहुत मज़ेदार इम्प्लीकेशन है, वो क्या इम्प्लीकेशन है, मतलब उसका क्या है, ये देखिए यहाँ पे, अगर आप थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दें, चलिए मैं एक दूसरा फिगर बना के समझाता हूँ, एक और नया फिगर बनाते हैं उसी के एलिप्स का। आपने ये हमारा प्लैनेट का ऑर्बिट हुआ, यहाँ पे हमारा सन है, ये सन है हमारा, ठीक, और ये प्लैनेट सपोज था यहाँ पे, ये प्लैनेट है हमारा पी, हम मानते पी नहीं मानेंगे, प्लैनेट को ऐसे हम डिनोट कर रहे हैं, और ये पॉइंट पी वन था, और यहाँ पे टाइम टी के बराबर क्या था, जीरो था, टी जीरो यहाँ पे पहुंच गया जब, अब देखिए जरा यहाँ पे पहुंच गया टी वन में, टाइम यहाँ पे टी वन हो गया और पॉइंट क्या हो गया, पी टू। अब देखिए यहाँ पे एरिया कवर्ड का कॉन्सेप्ट, क्या मज़ेदार इम्प्लीकेशन है इसका, दिखाते हैं, ये कलर मैं चेंज करके शेड किया हूँ यहाँ को, ये ब्लू से यहाँ पे दिखाइए, चलिए मैंने ब्लू से यहाँ पे इसको दिखा दिया एरिया कवर्ड, ठीक। अब यहाँ पे जितनी एरिया कवर हुई, मतलब जितनी एरिया वेलोसिटी, मतलब यहाँ पे टी जीरो और टी वन के बीच में मैं मानता हूँ 2 सेकंड का एरिया कवर हुआ, कितना, मतलब 2 सेकंड का टाइम लगा यहाँ पे, कितना टाइम लगा यहाँ पे, 2 सेकंड का मान लीजिए, 2 सेकंड का जितनी एरिया कवर हुई। अब देखिए जब प्लैनेट इधर जाएगा यहाँ पे, यहाँ से मान लीजिए इतना मोशन हुआ, प्लैनेट यहाँ पी टू से आ गया, यहाँ किसी पॉइंट पे पहुँचा पी थ्री से, पी थ्री पे यहाँ पे पहुँच गया प्लैनेट, और पी थ्री पे क्या हुआ, टाइम मान लीजिए हम वहाँ पे मानते हैं, सपोज टाइम टी टू था हमारा, टाइम जो था हमारा वो टी टू था, और फिर यहाँ से फिर आगे मोशन हुआ, यहाँ पे पहुँचा, यहाँ पे पी फोर पॉइंट है और टाइम कितना है, पी थ्री, ठीक। अब यहाँ पे जो एरिया कवर हुई वो ये एरिया कवर हुई है ना, यहाँ से यहाँ तक, इसको हम ब्लैक से दिखा देते हैं, ये एरिया को ब्लैक से शेड कर देते हैं, ठीक। अब देखिए यहाँ पे टी जीरो और टी वन के बीच का डिफरेंस 2 सेकंड का था, इतनी एरिया कवर हुई थी, यहाँ भी मान लीजिए कि टी टू और टी थ्री के बीच का जो डिस्टेंस है, मतलब जो डिफरेंस है, मतलब कि ऐसे ये टी थ्री माइनस टी टू इक्वल टू 2 सेकंड्स, यहाँ पे भी 2 सेकंड का डिफरेंस है। अब देखिए आप जरा, थोड़ा सा आपको समझ में आ रहा होगा कि एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट तो हुई है, मतलब जो एरिया यहाँ पे कवर हुआ था, मान लीजिए प्लैनेट यहाँ से यहाँ पहुँचा 2 सेकंड के अंदर, तो एरियल वेलोसिटी यहाँ पे कितना एरिया कवर किया, एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट होने का मतलब कि टाइम में, एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में बराबर एरिया क्लियर होना चाहिए उसका। अब यहाँ पे मान लीजिए कि पी टू से पी वन आया 2 सेकंड में, इतनी एरिया कवर किया, इतनी सारी एरिया कवर किया। अब यहाँ पे अगर 2 ही सेकंड हम माने, यहाँ पे माने कि टी थ्री माइनस टी टू जो है वो 2 सेकंड का गैप है, और तो उसमें एरिया कितनी कवर हुई, उसमें सिर्फ इतनी ही एरिया कवर हुई, भले ही डायग्राम स्केल पे नहीं बना है, फिर भी देखने से समझ में आ रहा है कि इधर की एरिया, ये जो एरिया एस पी वन पी टू है, वो एरिया एस पी फोर पी थ्री से बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, शायद डबल के आसपास हो, डबल से भी ज़्यादा हो सकती है। मतलब कि 2 सेकंड में ही यहाँ पे इतना ज़्यादा एरिया कवर किया, यहाँ पे इतना कम एरिया कवर किया, जो कि पॉसिबल नहीं है। मतलब कि प्लैनेट यहाँ पे पी फोर से पी थ्री टाइम 2 सेकंड नहीं हो सकता है, क्यों, क्योंकि एरियल वेलोसिटी तो भैया कांस्टेंट होनी चाहिए, यहाँ पे ज़्यादा एरिया कवर कर रहा है 2 ही सेकंड में, तो यहाँ पे कम एरिया कैसे कवर कर सकता है 2 सेकंड में, तो क्या करना पड़ेगा प्लैनेट को, सिंपल सी बात है, यहाँ पे अगर टी थ्री माइनस टी टू हम 2 सेकंड ही लेते हैं, मान लीजिए हम लें कि नहीं, हमें टी थ्री माइनस टी थ्री और टी टू यानी 2 सेकंड की ड्यूरेशन में देखना है, तो ये कुछ एरिया जो होगा, अब यहाँ से क्या करना होगा, इसको जो पी फोर पॉइंट है इसको रिमूव करना होगा यहाँ से, ठीक है, नहीं गड़बड़ हो जाएगा, ये जो पॉइंट पी फोर है वो यहाँ पे ना हो करके, वो कुछ यहाँ पे ना हो करके, यहाँ पे क्लियरली मैं मिटाता हूँ, कुछ यहाँ पे लगभग आएगा, ये देखिए पी फोर लगभग यहाँ पे होगा, मतलब कि क्या हुआ कि प्लैनेट, अब यहाँ पे देखिए ये डिस्टेंस तो उतनी ही है, ये डिस्टेंस तो कम है, ये डिस्टेंस बहुत ज़्यादा नहीं थी,
यहाँ पे यहाँ से ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन जो ओवरऑल डिस्टेंस सन को लेकर के जो एरिया कवर हुई वो यहाँ पे बहुत बड़ी आ रही थी। इसके लिए प्लैनेट को क्या करना पड़ेगा, ये पूरी एरिया कवर करनी पड़ेगी, ये पूरी एरिया कवर करनी पड़ेगी 2 सेकंड के अंदर में। अब T3 यहाँ पे, यहाँ पे ना हो करके, T3 ये नहीं है, T3 यहाँ पे है, T3 कितना है, T3 ये है। अब T3 माइनस T2 आप 2 सेकंड ले लीजिए, एरिया जो होगा वो बराबर आएगा दोनों का लगभग। मतलब इसका इम्प्लीकेशन आप समझिए, आप बिल्कुल बेसिक से समझिए, यहाँ पे जो वेलोसिटी, यहाँ पे जो लीनियर वेलोसिटी हम मानते हैं, लीनियर वेलोसिटी यहाँ पे तो बराबर रहे, यहाँ पे मतलब जितनी रहे थी, यहाँ पे लीनियर वेलोसिटी वो नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसको ज़्यादा एरिया इसने कवर किया था, तो सिंपल सी बात है कि अगर यहाँ पे सन पास में है इसके, मतलब कि जाहिर सी बात है कि अगर उतना ही एरिया डिस्टेंस से कवर करेगा, जो लीनियर वेलोसिटी अगर उतनी ही रहेगी तो ये डिस्टेंस कम हो जाएगी। अगर भाई इतने, मान लीजिए इतनी वेलोसिटी, जितनी वेलोसिटी से यहाँ पे यहाँ आया, इतना सारा एरिया कवर किया, अगर उतनी ही वेलोसिटी से यहाँ जाएगा तो एरिया कम कवर होगी, तो क्या करेगा, अपनी ये प्लैनेट वेलोसिटी को कम कर लेगा। मतलब एक्चुअली वो खुद से नहीं करता, वो ऐसा सेटअप है यहाँ पे, चूंकि ये सन यहाँ पे फोकस पे एलिप्स, एलिप्टिकल ऑर्बिट है, जो प्लैनेट्स का जो वेलोसिटी होता है, जो लीनियर वेलोसिटी होता है, वो सेम नहीं रहता है। मतलब कि जब प्लैनेट्स सन के पास में होते हैं, जब प्लैनेट्स जो होते हैं वो सन के जब पास में होते हैं, ये ऑर्बिट देखिए, अब ऑर्बिट आप देखें यहाँ पे, यहाँ पे सन फोकस पे है ना, ये इस वाले फोकस पे है सन, और ये फोकस सेंटर नहीं है, सेंटर पे नहीं है, यहाँ पे है, एक इस किनारे होगा, एक फोकस इस किनारे यहाँ पे होगा कहीं पे, यहाँ पे। तो जब सन के पास में जब प्लैनेट्स होते हैं तो एक्चुअली में उनकी स्पीड, जो लीनियर वेलोसिटी होती है, उनकी काफ़ी ज़्यादा होती है दूर के कंपैरिजन में। क्यों? क्योंकि एरिया जो कवर करना होता है वो सेम करना होता है। तो यहाँ पे मान लीजिए, एक यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि 3 महीने में यहाँ से यहाँ, एक्चुअल में थोड़ा जाते हैं, थोड़ा रियल वर्ल्ड में, कि 3 महीने का मान लीजिए टाइम लगा यहाँ से यहाँ पहुँचने में, इतना सारा एरिया कवर हुआ। अब यहाँ पे ही 3 महीने का ही टाइम है, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इस प्लैनेट को यहाँ पे काफ़ी तेज जाना पड़ेगा, मतलब जो लीनियर वेलोसिटी होगी अपनी वो काफ़ी तेज करनी पड़ेगी, जिससे कम से कम यहाँ तक पहुँच जाए कि 3 महीने के अंदर जितना एरिया इधर कवर हुआ था उतनी ही एरिया इधर कवर हो जाए। तो क्या हुआ, इसका इम्प्लीकेशन क्या निकला, कि प्लैनेट्स की इम्प्लीकेशन का क्या निकला, हम लिखते हैं यहाँ पे, समझ में आ रहा है कि जब एरिया यहाँ से लेकर यहाँ पे क्लियर किया तो यहाँ पे उतने ही कम टाइम में, 3 महीने में ही इतनी सारी एरिया कवर हो गई। 3 महीने में ही अगर उसी वेलोसिटी से प्लैनेट मूव करेगा तो यहाँ पे कम एरिया कवर हो पाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये वाला जो डिस्टेंस है, ये जो ये वाला डिस्टेंस है, ये आप देख रहे हैं, ये कम है, तो इसकी वजह से टोटल एरिया कम रहेगी। तो क्या करना होगा, जो अपनी लीनियर वेलोसिटी है उसको काफ़ी ज़्यादा करना पड़ेगा प्लैनेट को, मतलब यहाँ से लेकर के वहाँ तक काफ़ी तेज़ वेलोसिटी में जाना पड़ेगा। तो इसका इम्प्लीकेशन क्या होगा, यहाँ पे इम्प्लीकेशन क्या होगा इसका, और भी काही है, मैं यहाँ पे जो बेसिक, हमें एकदम बेसिक समझ में आ रहा है कि ये ऐसा होना चाहिए, क्या इम्प्लीकेशन इसका, द लीनियर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी, एरियल वेलोसिटी की बात हम नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, जो नॉर्मल इस पाथ पे जो चल रहा है उस वेलोसिटी की बात कर रहे हैं हम, द लीनियर वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट्स इज ग्रेटर is greater when they are closer to the sun, closer to the sun, जब अपने ऑर्बिट में वो सन के पास में रहेंगे, सूरज के पास में वाले इस एरिया में रहेंगे, और तो उसके कंपैरिजन में, मतलब दूर वाले एरिया के कंपैरिजन में, वहाँ पे जो उसकी वेलोसिटी होगी प्लैनेट की वो काफ़ी तेज़ होगी इसके कंपैरिजन में। मतलब यहाँ पे जो लीनियर वेलोसिटी होगी वो कम होगी, यहाँ पे लीनियर वेलोसिटी ज़्यादा होगी, जिससे उनका एरिया जो है वो एरियल वेलोसिटी कॉन्स्टेंट रहे, मतलब यहाँ पे उतने ही टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा एरिया कवर कर सके, है ना। अगर आपको मान लीजिए किसी ने कहा कि आपको यहाँ से, आपको जो एरियल वेलोसिटी है वो आपकी कांस्टेंट होनी चाहिए, मतलब आपको जितना एरिया आपको कवर करना है, जैसे मान लीजिए आप एक पेंट कर रहा है, कोई अगर आदमी है पेंटर है, वो दीवार को पेंट कर रहा है, और सपोज उसके बॉस ने कहा कि भाई अगर तुम पेंट कर रहे हो तो अगर एक दिन में तुम मान लो 20 मीटर स्क्वायर का एरिया कवर कर रहे हो, तो अगले दिन भी तुमको 20 मीटर स्क्वायर का ही एरिया कवर करना है, मतलब एक दिन में
तुमको जो एरिया कवर करना रहेगा वो 20 मीटर स्क्वायर का ही एरिया कवर करना रहेगा। अगर वो आपका नॉर्मल है, मतलब जो ये स्पेस है, मतलब जहाँ पे दीवार पेंट करना है, ऐसे रेक्टेंगुलर है या स्क्वायर शेप में है, तो वहाँ पे नॉर्मल उसको कोई समस्या नहीं रहेगी। अगर ऐसा कुछ आया एलिप्स का, एलिप्स जैसा कुछ कॉन्सेप्ट आया वहाँ पे, जहाँ पे जो डिस्टेंस, मतलब जो एरिया कवर करने की स्पीड है उसकी, जो मोशन की स्पीड है उसकी, वो ज़्यादा है, मतलब वो डिफरेंस है दोनों में कि एरिया अगर उतने स्पीड से चलेगा तो एरिया कम कवर होगी यहाँ पे, वहाँ पे एरिया ज़्यादा कवर हो रही थी, तो क्या करना पड़ेगा उसको, अपनी काम करने की स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा, जिससे कि एक ही दिन में 20 मीटर स्क्वायर की एरिया कवर हो जाए, है ना। जैसे आप इसका एक छोटा एग्जांपल और समझ सकते हैं कि प्लैनेट, अगर यहाँ पे कोई मोशन हो रहा है प्लैनेट का, अर्थ को ही अगर समझ लें, यहाँ पे अर्थ अगर जब एक दो पोजीशंस होती है ना, एपीजी और पेरीजी क्या होते हैं, दो पोजीशंस, क्या होता है कि जब प्लैनेट सन से अपने सबसे फार्देस्ट पॉइंट पे होता है, सबसे दूर वाले पॉइंट पे, देखिए यहाँ पे पोजिशन जो इसकी यहाँ पे पाथ है वो सर्कुलर नहीं है, पाथ एलिप्टिकल है। इसकी वजह से क्या होता है कि एक पॉइंट आएगा जब सन के काफी पास में होगा, एक पॉइंट आएगा सन के दूर में होगा, तो जो सबसे जब दूर में होता है यहाँ पे, जब सबसे दूर पे होता है प्लैनेट, तो इस पोजीशन को क्या कहते हैं, एपीजी। यहाँ पे क्या बोलते हैं, जब सबसे नजदीक में होता है तो इस पोजीशन को क्या बोलते हैं, ऐसा समझ सकते हैं, एपी मतलब अवे फ्रॉम, ठीक है, मतलब जब ये प्लैनेट से, जो प्लैनेट है सन से जब सबसे दूर वाली पोजीशन पे होता है तो उसको एपीजी बोलते हैं, और जब पास वाले में होता है तो पेरीजी में होते हैं। तो जब पेरीजी वाले एरिया की, जब जहाँ पे वो पेरीजी वाला उसका पोजीशन है, उस पोजीशन के पास में जब अर्थ रहेगी अपने, उस पोजीशन में अर्थ की जो लीनियर वेलोसिटी होगी, मतलब जो ऑर्बिट में चलने की जो वेलोसिटी होगी, वो ज़्यादा होगी इन कंपेरिजन टू दिस, ठीक है। तो यहाँ पे उसको ज्यादा वेलोसिटी से अपना मूव करना होगा, यहाँ पे अपनी कम वेलोसिटी से मूव करनी होगी। तो एपीजी वाली इसके कंपैरिजन में पेरीजी में प्लैनेट्स की वेलोसिटी, पेरीजी वाले एरिया में प्लैनेट्स की वेलोसिटी ज्यादा होती है। ये था उसका सेकंड लॉ। सेकंड लॉ मतलब आप सिंपल समझ सकते हैं क्या था, कि जो प्लैनेट्स की वेलोसिटी होती है, एरियल वेलोसिटी, वो हमेशा कॉन्स्टेंट होती है, एरिया स्वेप्ट पर यूनिट टाइम इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट। ये हुआ हमारा सेकंड लॉ। अब हमारा जो आता है नेक्स्ट पॉइंट हमारा आएगा, वो हमारा थर्ड लॉ। थर्ड लॉ पढ़ते हैं, क्या है थर्ड लॉ। थर्ड लॉ भाई क्या कहता है, फर्स्ट लॉ समझ में आ गया, एलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करेंगे और सन फोकस पे होगा, और सेकेंड लॉ में मतलब एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, उसकी वजह से पेरीजी में उनको तेज मूव करना होता है प्लैनेट्स को, एपीजी में स्लो मूव करना होता है, ताकि एरिया स्वेप्ट जो होता है, मतलब एरिया जो कवर होता है पर यूनिट टाइम में, वो कांस्टेंट रहे। तीसरा लॉ ये कहता है, देखिए मैं सीधा इसकी स्टेटमेंट लिखता हूँ आपको, और उससे अच्छा और समझ में आएगा। बेटर होगा पहले ये लिखते हैं इसकी स्टेटमेंट को, मैथमेटिकल उसका एक्सप्रेशन, मैं थोड़ा सा अलग चल रहा हूँ यहाँ पे, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पहले लिखूंगा जिससे आपको समझने में आसान होगी। अब दिखाते हैं क्या है कि अब यहाँ पे टर्म्स आएंगे, टी और आर करके दो टर्म्स आएंगे, क्या है टी स्क्वायर आर, टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, एंड कॉन्स्टेंट फॉर ऑल प्लैनेट्स। अब क्या मतलब इसका, ये तो समझ में आ रहा है कि ये जो कुछ टर्म है, ये एक रेशियो है टी स्क्वायर और आर क्यूब का रेशियो है, वो हमेशा कांस्टेंट होगा हर प्लैनेट के लिए। मतलब एक प्लैनेट का जो, मान लीजिए अर्थ का जो रेशियो होगा टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब का, वही रेशियो जुपिटर का भी होगा टी स्क्वायर और आर क्यूब का। अब टी और आर क्या है ये समझना है, तभी तो पूरा समझ में आएगा। इसीलिए पहले मैंने दिखा दिया कि आपको ये रिलेशन पहले समझ में आ जाए, या आप रिलेशन आई बार जान लें कि टी स्क्वायर और आर क्यूब का रिलेशन जो है, कि टी स्क्वायर और आर क्यूब का रेशियो हमेशा कांस्टेंट है हर प्लैनेट की, फिर समझते हैं टी और आर है क्या। आप फिजिक्स में थोड़ा सा भी, अगर आप पिछली क्लास से पढ़े हैं तो थोड़ा सा भी आप यहाँ जैसे टी और आर देखेंगे, आपको समझ में आ लगा कि टी यहाँ पे टाइम दिखा रहा है भाई, टी दिखा क्या दिखा रहा है, और प्रिसाइज कहें तो टी क्या दिखाता है, कैपिटल टी टाइम पीरियड दिखाता है ना। जैसे ये क्या होता है, बहुत जो कॉमन एग्जांपल है कि पेंडुलम है, यहाँ पे सस्पेंडेड है पेंडुलम, यहाँ से ये, ठीक, ये मोशन होता है पेंडुलम का,
और टाइम यहाँ से लेकर के इस पॉइंट पी है, ये पॉइंट क्यू है, उसके एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं, यहाँ पे जो टाइम टोटल लिखा है टी, वो क्या होता है उसका टाइम पीरियड, मतलब टाइम टेकन फॉर वन कंप्लीट ऑसिलेशन, यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ जाए और फिर यहाँ पे आ जाए, उसने जितना टाइम लिया उसको टी कहते हैं। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे है, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे है। क्या कॉन्सेप्ट है कि जो टाइम, ये टी क्या है, टोटल टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, क्या है टी यहाँ पे, मैं यहाँ पे लिखता हूँ टी क्या है, टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, रिवॉल्व जो कर रहा है प्लैनेट, रोटेट वाला नहीं, रिवॉल्व वाला, मतलब जो सन के चारों ओर घूम रहा है उसका जो टाइम ले रहा है, मतलब जैसे अर्थ का कितना है 365 दिन का है, नहीं 365 and 1/4 days, 365 दिन 6 घंटे, ये एक्यूरेट एक वैल्यू है कि जो टाइम पीरियड है रिवॉल्यूशन का वो टी टाइम पीरियड है। आर क्या है, एवरेज रेडियस, एवरेज रेडियस का मतलब क्या है, यहां पे देखते हैं, यहां पे एक अलग नई स्लाइड में चलते हैं, यहां पे एवरेज रेडियस क्या है, ये हुआ से बटर यहाँ यूज करते हैं, एक ये F1 है, F2 है, ठीक, ये हमारा ये था सेम इमेज से हमारा माइनर एक्सिस, तो ये हमारा था मेजर एक्सिस, ये F1 यहाँ पे, तो यहाँ पे है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ से जो डिस्टेंस है F1 से प्लैनेट की, यहाँ पे देखिए जो एलिप्स बन रहा है इसमें F A और B, ये जो यहाँ पे हम क्या लिखे थे Q और R लिख रहे थे ना, और यहाँ पे M और N लिख रहे थे इन पॉइंट्स का, और MN क्या था हमारा, MN क्या था, पूरा MN, MO यहाँ पे, ये तो पॉइंट O मान रहे थे हम, MO तो हमारा A था, A लेकर चल रहे थे, MN क्या हो जाएगा हमारा 2A, वैसे हमारा QR क्या हो जाएगा 2B, ठीक, ये पूरा कितना हो जाएगा 2A, और ये पूरा कितना हो जाएगा 2B, MN और QR इन्हीं दोनों का जो सेम, जो मेजर और माइनर, अब ये पूरा पूरा हो गया, इसको अगर हम सेमी मेजर और सेमी माइनर में लिखें तो क्या हो जाएगा, सेमी मेजर में क्या होगा ए और सेमी माइनर में क्या होगा बी, तो सेमी मेजर और सेमी माइनर का जो रेशियो, मतलब जो सम का बाय टू, मतलब जो एवरेज है उसे हम कहते हैं आर। तो क्या होगा यहाँ पे, ये देखिए आप सेमी मेजर सेमी माइनर यहाँ पे क्लियर हो गया, यहाँ पे मैं लिखता हूँ आर क्या है, एक्चुअली में आर यहाँ पे भाई क्या है, क्या है ए प्लस बी डिवाइडेड बाई टू, ए बी क्या है सेमी मेजर, सेमी मेजर प्लस सेमी माइनर लिख देते हैं, सेमी मेजर एक्सिस प्लस सेमी माइनर एक्सिस, सेमी माइनर एक्सिस, ये होल का डिवाइडेड बाई टू, पूरे का जो सम है उसको हम दो से डिवाइड कर दें तो ये हमारा आ जाएगा आर। समझ में आया, मतलब किसी प्लैनेट के लिए जो आर की वैल्यू होगी वो क्या होगी, जो उसका सेमी सेमी मेजर एक्सिस है प्लस सेमी माइनर एक्सिस है दोनों का एवरेज, ये होगा हमारी आर की वैल्यू। अब समझ में आया टी क्या है, टोटल टाइम पीरियड, मतलब टाइम कितना टाइम ले रहा है प्लैनेट मोशन करने में, एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में। आर क्या है, जो सेमी मेजर और सेमी माइनर एक्सिस हैं उनका एवरेज। तो ये क्या कहते हैं, केपलर का थर्ड लॉ क्या कहता है कि ये जो टाइम है, टाइम पीरियड है उसका स्क्वायर, और जो रेडियस है यानी कि जो हम इसको रेडियस बोल रहे हैं यहाँ पे जो सेमी मेजर सेमी माइनर एक्सिस का जो वो है एवरेज, उसका क्यूब, इनका रेशियो हर प्लैनेट के लिए कांस्टेंट होता है। क्या होता है, हर प्लैनेट के लिए रेशियो कांस्टेंट होता है, मतलब अगर आप अर्थ का यहाँ पे टाइम पीरियड लेते हैं, अर्थ का टाइम पीरियड लेंगे और अर्थ का जो रेडियस होगा, मतलब अर्थ का सेमी मेजर सेमी माइनर एक्सिस का जो रेशियो होगा वो तो एवरेज होगा, सॉरी जो एवरेज होगा सेमी मेजर सेमी माइनर एक्सिस का, और टाइम पीरियड का स्क्वायर करें और इसका क्यूब करें रेडियस का, तो उसका जो वैल्यू आएगा सेम वही वैल्यू जुपिटर के लिए, सैटर्न के लिए, यूरेनस, नेपच्यून, मरकरी, वीनस, मार्स सब के लिए आएगा। और इसको कैलकुलेट भी किया गया है, मतलब प्लैनेट्स का, अब हम तो हमारे पास अब इतनी टेक्नोलॉजी है, अब उससे हम देख चुके हैं कि कितना, हम जानते हैं हर प्लैनेट का कि इस प्लैनेट का डिस्टेंस कितना है सन से, एपीजी में कितना डिस्टेंस है, पेरिजी में कितना डिस्टेंस है, तो उससे रेडियस की वैल्यू निकल आई है।
कि आर की वैल्यू और टाइम पीरियड तो पता ही होता है कि एक साल कितना लेता है, हर प्लांट पे एक साल कितना होता है, मतलब एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लेता है, उससे जो रेशियो निकाला गया वो कितने के आसपास आता है, ये रेशियो जो आता है ये नियरली इक्वल टू वन आता है, ये नियरली इक्वल टू, यहाँ पे मैं थोड़ा इसको बेटर बनाना चाहूँगा, ये ऐसे लिखते हैं, है ना, ये थोड़ा जो इक्वल टू है उसको थोड़ा सा वेव बना देते हैं, है ना। फिजिक्स का ही प्रिंसिपल है, किसी ने फिजिक्स वाला ही कोई था जिसने ये सिंबल बनाया होगा कि जो इक्वल टू सिंबल है उसमें थोड़ा वेव जनरेट कर दो, मतलब उसके एकदम बराबर नहीं है, आसपास में है, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। तो ये क्या जो रेशियो आता है ये कितना आता है, नियर टू वन आता है, जो मतलब जो टी स्क्वायर और आर क्यूब का रेशियो जो होता है वो नियर टू वन आता है। तो हर प्लैनेट के लिए थर्ड लॉ यही कहता है कि जो हर प्लैनेट के टी स्क्वायर बटा आर क्यूब का जो रेशियो होगा, इसको अगर हम चाहें तो बस एक एक लाइन में लिख सकते हैं, थर्ड लॉ क्या कहेगा, थर्ड लॉ क्या कहेगा कि द रेशियो ऑफ, देखिए कैसे लिखते हैं, क्या किसका किसका रेशियो है, टाइम पीरियड के स्क्वायर का और रेडियस के क्यूब का, द रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड, टाइम पीरियड टू, ये एक पीरियड, देखिए अब अगर आपको कोई टर्म लिखा है मैथ्स का तो उसको कैसे आप सेंटेंस में लिखेंगे, ये तरीका है कि आप रेशियो लिखिए कि रेशियो है किसका किसका, ये चीज का, ये चीज का स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड टू, मतलब किससे, इसका क्यूब ऑफ रेडियस, और रेडियस में हम ब्रैकेट में मैं लिख देता हूं एवरेज, रेडियस क्या है, एवरेज ऑफ सेमी मेजर, सेमी मेजर एंड सेमी माइनर एक्सिस, मतलब सेमी मेजर और सेमी माइनर का एक्सिस है क्यूब ऑफ रेडियस ऑफ ऑर्बिट, मतलब ऑर्बिट का जो रेडियस है, ये पहले ये जो स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड, ये आपको थोड़ा और बेटर समझ में आएगा इससे, हाँ, स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड टू क्यूब ऑफ रेडियस, रेडियस का वैल्यू ये है, ये पूरा रेडियस ऑफ ऑर्बिट, स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड और क्यूब ऑफ रेडियस ऑफ ऑर्बिट, इसका जो रेशियो है, रेशियो इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट, ऑलवेज कॉन्स्टेंट फॉर ईच प्लैनेट, ठीक। यहां पे मैं इसको छोटा करता हूं कि आप इसको लिख सकें, यहां पे नोट कर सकें, क्या कहता है थर्ड लॉ, कि जो रेशियो है स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड टू द क्यूब ऑफ रेडियस वो हर प्लैनेट के लिए कॉन्स्टेंट होता है, ये यहां पे, और इसका मैथमेटिकल स्टेटमेंट ये यहाँ पे है, ये है उसका मैथमेटिकल स्टेटमेंट, टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब इज कॉन्स्टेंट एंड द मैथमेटिकली कैलकुलेटेड वैल्यू इज नियर टू वन, क्या है, आप इसको अगर सर्च करेंगे आपको तो यह शीट में आपको दिख जाएगा कि सबकी, किसी की 1 पॉइंट कुछ है, किसी की 0.999 है, किसी प्लांट की 1.001 है, मतलब 1 के आसपास एकदम रहती है वैल्यू, जिसको हम कह सकते हैं 10 to 1, तो वैल्यू जो नया नियरली 1 है, ये था हमारा थर्ड लॉ। तो ये थे केपलर के तीनों लॉज, जोहानस केपलर जो हैं प्लैनेटरी मोशन के लिए। ब्रीफ इसका रिवीजन कर देता हूँ, ब्रीफ आपको ब्रीफली रिवीजन कराता हूँ। पहला लॉ क्या कहता है, ये ऐसा कुछ, पहला लॉ क्या कहता है कि प्लैनेट्स का जो ऑर्बिट है वो एलिप्टिकल है, ठीक है, प्लैनेट्स मूव इन एलिप्टिकल ऑर्बिट्स, इसको लिखें, इसको लिखें क्या ठीक से पूरा, हाँ ये देखें, इसका पूरा स्टेटमेंट हमने अच्छे से लिखा है। फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट क्या कहता है कि प्लैनेट्स, द मोशन ऑफ प्लैनेट्स ये एलिप्टिकल होता है, द ऑर्बिट्स ऑफ मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन आर एलिप्टिकल इन शेप विद द सन बीइंग सिचुएटेड ऑन वन ऑफ द फोसाई, जो सन है वो एट इसको होना चाहिए, यहाँ पे एट होना चाहिए, एट, ठीक, और जो सन है
वो उन किसी एक फोसाई पे रहता है प्लैनेट के लिए, ठीक है। ये पहला लॉ था हमारा। दूसरा लॉ क्या है? दूसरा लॉ ये एकदम क्लियरली डायग्राम के साथ में एक्सप्लेन किया है कि जो एरियल वेलोसिटी होती है वो कांस्टेंट होती है। कितना सुंदर डायग्राम बन गया है कि एरियल वेलोसिटी जो एरिया स्वेप्ट होता है पर यूनिट टाइम वो हमेशा कांस्टेंट होता है। ये सेकंड लॉ था हमारा, ठीक है। थर्ड लॉ क्या था? यहाँ पे अभी हमने लिखा है, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। और थर्ड लॉ क्या है? ये देखिए, थर्ड लॉ ये है, ठीक, कि जो टी स्क्वायर और आर क्यूब का जो रेशियो होता है वो कांस्टेंट होता है प्लैनेट के लिए। उसका स्टेटमेंट यहाँ पे है, आप स्टेटमेंट यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। ये तो ये थे केपलर के तीनों लॉज हमारे, जोहानस केपलर के, जो उन्होंने तीन लॉ दिए थे। जो एलिप्स के बारे में हमने डिटेल में लिखा था, ये सेमी मेजर क्या होता है, सेमी माइनर क्या होता है, फोसाई क्या होते हैं, और प्लैनेट जो पी कोई पॉइंट होगा क्या होगा, ये याद रखिएगा हमेशा कि एलिप्स का मतलब क्या है, कि जो सम होता है दोनों फोसाई से उसके डिस्टेंस का वो हमेशा कांस्टेंट होता है। वो पी चाहे कहीं भी आप ले लीजिए, यहाँ पे भी लीजिए, यहाँ पे लीजिए, कांस्टेंट होता है। तो बस इसमें इतना ही था इस टॉपिक में। थोड़ा सा अगर आप चाहें तो मैं इसको ये एलिप्स के बारे में थोड़ा और यहाँ पे देख सकते हैं। एलिप्स के बारे में ये जो पॉइंट हमने लिखा था, ये देखिए, ये ए और बी का, ठीक है, फिलहाल के लिए इसको छोड़ते हैं यहाँ पे। फिर आप ये समझिए आपकी मैथमेटिक्स सेक्शन का पार्ट है कि मतलब आप इसको ये यहाँ पे जो इसका एक रेशियो आता है, अगर एक स्टैंडर्ड एलिप्स की बात करें, हम यहाँ पे ब्रीफली मैं लिख देता हूँ, अगर एक स्टैंडर्ड एलिप्स की बात करें मतलब अगर आप उसको 2D में देखें, 2D शेप्स होते हैं, 2D में देखें मतलब उसका जो ए वो ओ पॉइंट है, ये ओरिजिन अगर लें हम, तो क्या होता है कि एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन। ये एलिप्स का जो इसको कहते हैं इक्वेशन है, इक्वेशन ये क्या कहती है कि एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू वन। ए भी आपको पता है सेमी मेजर सेमी माइनर एक्सेस है। एक्स और वाई क्या है? एक्स ये है, अगर कोई पॉइंट यहाँ पे पी है, ये पॉइंट पी है, तो इसका जो कोऑर्डिनेट होगा 2D में एक्स और वाई है ना, कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट होता है, एक वाई होता है, तो कोऑर्डिनेट जो होगा एक्स और वाई, तो अगर आप किसी भी पॉइंट पे होगा पी यहाँ पे, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर आप करेंगे तो उसका वैल्यू कितना आएगा, हमेशा वन आएगा। डेराइव कैसे होता है, कैसे इसको लिखते हैं, वो थोड़ा अलग पार्ट है, आपके मैथमेटिक्स सेक्शन का पार्ट है, वहाँ पे आप पढ़ेंगे। यहाँ पे एलिप्स का एक इक्वेशन ये था, और ये थे केपलर के तीनों लॉज। धन्यवाद।